Yes, students, very, very good morning to all of you. Yes. Let's just wait for one or two minutes. More students are coming in and then let us start.

So then on the group I have uploaded one document. The document is from the NCRT book. It's the appendix of the NCRT book or uskeander apko milte hai sub prefixes or kuch. Right? So I had given a small homework. Let me just open that document here also. I'll unshare the white screen and share the document. यस स्टूडेंट स्क्रीन दिख रहा है सबको ग्रीक अल्फाबेट वाला स्क्रीन दिख पा रहे दिस इज द डॉक्यूमेंट आई शेयर है ना तो एक बार देख लेते हैं हम कुछ प्रोनाउंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम अगर होगा तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो वाले अच्छा यहाँ पे दो दो अल्फा के दो दो सिम्बॉल क्यू है सबको पता है क्यूँ अल्फा के दो सिम्बॉल है अल्फा के दो सिंबल्स है कैपिटल ए भी है और एक छोट एक और है दो सिंबल कैसे है सोचा किसी ने अल्फा के दो सिंबल क्यों है हर एक के दो दो सिंबल्स है देखो हर ग्रीक अल्फाबेट के दो दो सिंबल्स है ओके uh, okay. Uh, नहीं क्वांटिटी बड़ी या छोटी पे नहीं है वो बट ये समथिंग लाइक इंग्लिश का कैपिटल एंड स्मॉल ओके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे छोटा लेटर क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है वो चैप्टर बाय चैप्टर जैसे आएगा तो हम समझेंगे बट यस वन कैपिटल लेटर वन स्मॉल लेटर बस वैरायटी बनने के लिए इंग्लिश में भी नहीं क्या इंग्लिश में भी एबीसीडी यू हैव कैपिटल एंड एबीसीडी यू राइट तो थोड़ी वैरायटी बढ़ जाएगी अल्फाबेट्स में आपको अगर यू you नो know, 26 अल्फाबेट है तो 26 capital, 26 कैपिटल स्मॉल तो 52 सिंबल्स बन जाएंगे तो आप ज्यादा क्वान्टिटीज को अलग अलग सिंबल भी दे पाएंगे ये अपने लिए फायदा हो जाता है राइट यस डू बोथ ऑफ देम वी हैव टू लर्न यस एक्चुअली ये पूरा टेबल का हर चीज अपन यूज नहीं करते uh, जैसे मैं बताता हूँ अल्फा बीटा गामा हम हमेशा स्मॉल ही यूज करते हैं देखो ये मैं आपको जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना ज्यादातर हमें ग्रीक के स्मॉल सिंबल्स ही यूज करने ज्यादातर ठीक है कैपिटल के बहुत कम यूज करते हैं कैपिटल के बहुत 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 कम यूज करते हैं ना तो जहां यूज करते हैं मैं बता दूंगा ठीक okay. है जैसे कैपिटल में कौन सा यूज करते हैं जो डेल्टा सिंबल है आपको दिख रहा है कैपिटल में डेल्टा का सिंबल तो कैपिटल के डेल्टा का सिंबल आपके ट्रायंगल का सिंबल है राइट ट्राइंगल एबीसी वगैरह देते हो वो ही कैपिटल डेल्टा है है ना वैसे ही फिजिक्स में चेंज के लिए हम डेल्टा कैपिटल डेल्टा सिंबल यूज करेंगे राइट ये सिग्मा का भी सिंबल वेरी गुड सिग्मा का सिंबल आपको पता था सिग्मा का सिंबॉल्स एडिशन के लिए समेशन के लिए यूज करते हैं यस कैपिटल सिग्मा का वेरी गुड ओमेगा भी जो कैपिटल है किस चीज के लिए यूज करे थे आपने बताओ ओमेगा कैपिटल किस चीज के लिए यूज करा था यस ओहम्स रेजिस्टेंस वाला ओहम का सिंबल था तो परफेक्ट ठीक है तो ऐसे बहुत कम ये तीन चार ही सिंबल्स है जो कैपिटल आप यूज करोगे ज्यादातर आप स्मॉल यूज करोगे स्मॉल में आप अल्फा भी यूज करते हो फिजिक्स में बीटा भी यूज करते हो गामा भी में जानबूझ के प्रोनाउंसिएशन आपको समझना चाहिए इसलिए बोल रहे हो ओके अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सलॉन फिफ्थ वाला इज इप्सलॉन उसके बाद जीटा जीटा ज्यादातर आप इंजीनियरिंग वाले आगे यूज करते हैं अभी नहीं यूज करते हैं यूज करेंगे हम फिजिक्स में थीटा तो बहुत जगह फिजिक्स मैथ्स में यूज करेंगे आयोटा भी मैथ्स में यूज करेंगे कप्पा कप्पा का यूज थोड़ा सा में केमिस्ट्री में होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कप्पा आएगा लैम्बडा पूरे फिजिक्स में आएगा म्यू भी कई जगह फिजिक्स में आएगा न्यू भी फिजिक्स में आएगा आगे जाय है जाय जाय नहीं आएगा जाय ओमिक्रॉन नहीं आते हैं पाय आता है बच्चों पाय इज वेरी फेमस पाइज ये समबडी सेड लैमडा फॉर वेवलेंथ है बहुत सही है ना पाय तो सिंबल आपको पता है सर्कल के लिए अपन रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस इज तो टू डायमीटर जिससे उसका सर्कम्फरेंस टू पाई आर वगैरह सब फॉर्मूला बनता है एरिया पाई आर स्क्वायर वो सब पाई जो है ये भी एक ग्रीक का स्मॉल सिंबल है रो आप यूज करते हो डेंसिटी के लिए आर एच ओ इज रो ओके रो छोटा सिग्मा आप केमिस्ट्री में बॉन्ड्स के लिए यूज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आप सिग्मा यूज करेंगे टाओ टाउ भी आप फिजिक्स में यूज करेंगे उपसिलॉन का बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में एक ही फॉर्मुला में आता है उपसिलॉन फाइ भी एंगल के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स उसके दो नोटेशन है स्मॉल में है ना ज्यादातर उसमें जो पहला है पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो वाला पहला यूज होता है फाय फाय है ओके okay? चाय नहीं पढ़ना उसको जो जो थर्ड लास्ट है ना बाद का इसका प्रोनाउंसिएशन काय है ओके okay? उसका एच काइंड ऑफ़ साइलेंट है आप मान सकते हो नहीं तो चाय पढ़ लेंगे हम उसको अगले वाला में पी सिंबल साइलेंट है तो फाय काय साय ओके okay? फाय काय साय तीनों आते हैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी आता है और साय साइकोलॉजी के लिए ना मेडिकल स्टूडेंट्स आगे साइकोलॉजी के सिंबल का भी साय ही डिनोट करते हैं तो फाय साय एंड ओमेगा ओमेगा भी आता है दोनों में मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में आता है तो ये स्मॉल लेटर से हमको थोड़ा सा अगर फेमिलिटी रहेगा तो हेल्प होगी म्यू सिंबल लुक्स लाइक माइक्रो एब्सोल्युटली करेक्ट म्यू का जो सिंबल है म्यू का जो सिंबल है शरद म्यू का सिंबल इज यूज फॉर माइक्रो माइक्रो दिखाने के लिए म्यू का है वही है एग्जैक्टली exactly वही है जब हमने कल माइक्रो देखा था तो माइक्रो कल ये सिंबल म्यू का ही यूज होता है करेक्ट माइक्रो एक प्रिफिक्स है उस माइक्रो प्रिफिक्स का सिंबल म्यू ही है म्यू ही स्मॉल म्यू ही यूज किया जाता है करेक्ट कुछ लोगों ने पाई की वैल्यू लिखी ट्वेंटी टू बावन थ्री पॉइंट वन फोर दीज आर द अप्रोक्सिमेट वैल्यूज ऑफ पाई सो करेक्ट so यस रज़िया राइटिंग फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो इलेवेंथ ट्वेल्थ में अभी तो इसमें इप्सलॉन आता है ये जो पांचवा सिंबॉल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बाद इप्सलॉन जो सिंबॉल है राइट You read it as epsilon, epsilon, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं प्रोनाउंसिएशन याद रख लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा से शुरू होता प्रोनाउंसिएशन भी e से, epsilon. Epsilon नहीं पढ़ते जनरली इप्सिलॉन पढ़ते हैं। इप्सिलॉन ओके ठीक है ऐसा कुछ किसी ने लिखा था लेट मी रीड दैट कमेंट सर फाउंडेशन हमने नहीं किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स में आ, आ, देखो ओवरऑल तो फर्क टीचर पढ़ने नहीं देंगे आपको अगर आप सिंसियर अच्छे स्टूडेंट हो तो इन द सेंस क्या होगा फाउंडेशन अगर किसी ने किया है इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ा आगे का ऑलरेडी थोड़ा पढ़ के रखा है तो उनको उसका फायदा तो होगा तो अब आपको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको क्या करना है अगर किसी ने नहीं किया है तो उस आपको क्या करना है आपको अभी ज्यादा अच्छी मेहनत तो करनी होगी और अगर टीचर ने कुछ समझा दिया और बाकी लोगों को फाउंडेशन वालों को या और किसी को जल्दी समझ गया तो टीचर आगे बढ़ने लगेगा तो तब आपको टीचर को रोकना है जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको टीचर आपने टीचर को बता के रोकना है किसी भी सब्जेक्ट में हो कि सर ये, ये मुझे पहली बार में नहीं समझ आया सर आप वापस प्लीज बताएंगे क्या है ना इसका कुछ होमवर्क है क्या मैं कहाँ से पढ़ू कहाँ से सॉल्व करूँ ये आपको पूछना है ठीक है टीचर आपको पूछेंगे समझ गया क्या अगर आपने हाँ बोल दिया तो आगे बढ़ेंगे आप चुपचाप भी रहेंगे तो कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया तो हो सकता है कि टीचर आगे बढ़ जाए तो आपको बस टीचर को बताना है जब तक नहीं समझा है तो पूछ लेना है इसलिए मैं कल बहुत अप्रिशिएट कर किया था कि नॉट अंडरस्टूड जो भी बोलते हैं स्टूडेंट्स तो वेरी क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं बताएंगे समझ नहीं आएगा तो टीचर तो आगे बढ़ेंगे राइट दैट द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर तो आप पे डिपेंड करता है अगर आपकी आप, आप समझने तक यू uh, नो you know, कोशिश करते रहते हो टीचर की हेल्प लेते रहते हो पूछते रहते हो देन uh, देन आपको कोई रोक नहीं सकता फुल अंडरस्टैंडिंग होने में और टॉप करने में कोई नहीं रोक सकता आप खुद सिंसियर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ना पहले से आ कोई आपसे आगे भी पढ़ा हुआ है तो आप उसके बराबर में बिल्कुल आ सकते हो चलो अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था कल जो मैंने पोस्ट कर दिया था उसमें दो दो एक्स्ट्रा सिंबल्स थे हम्म दो दो एक्स्ट्रा सिंबल्स थे लेकिन आई होप अभी आपको ये सबको याद आ गए होंगे सबको याद आ गए होंगे है ना डेसी से लेके देखो छोटा 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 हो रहा है डेसी सेटी मिली पिको फेमटो एटो राइट और जेप्टो योक्टो ऐसा कुछ था ना आगे वो अपन ने पोस्ट किया हुआ है तो अपने एनसीआरटी में अठारह अच्छा तक है तो कम से कम अठारह अच्छा तक की पावर तक हमें याद रख लीजिए आप हम्म कल ये डिस्कस करना बहुत अच्छा था क्योंकि कल हम पावर्स पढ़ रहे थे लॉज ऑफ इंडस ही पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो कुछ ने बाद में मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर हमें लॉज ऑफ की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है है ना एक नहीं कई स्टूडेंट्स ने मुझे किया तो उनको मैंने एक पीडीएफ एक फॉरवर्ड किया है और किसी को चाहिए होगा तो मुझे मांग ले सकते हो मैंने एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया इट इज नथिंग बट कि स्कूल टाइम का एक चैप्टर है वो

है ना पॉजिटिव पावर्स है और निगेटिव पावर्स है पॉजिटिव पावर्स मतलब बड़ी बड़ी पावर है बड़ी पावर का एक बार रिवीजन करते देखो डेका हेक्टो किलो तीन तीन के ग्रुप में डेका हेक्टो किलो डेका हेक्टो किलो देन ये दोनों मेगा गीगा मेगा गीगा मेगा गीगा मेगा इज टेन पावर सिक्स गीगा इज टेन पावर नाइन सबको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स सबको हंड्रेड याद हो जाना चाहिए देन टेरा पेटा एग्जा टेरा पेटा एग्जा ठीक है अब इसके आगे कुछ भी लग सकता है स्टूडेंट जैसे किलो है तो किलो किसको यूज कर सकते किलो मीटर को भी यूज कर सकते हैं किलो लीटर को भी यूज कर सकते हैं किलो सेकेंड को भी यूज कर सकते बोलने को है ना किलो ग्राम को भी यूज कर सकते हैं किलो आम... और क्या आएगा किलो एम्पियर करंट रहा तो करंट एम्पियर उसको भी किलो ओहम भी तो हर चीज के पीछे हर जो यूनिट है किलो न्यूटन भी कर सकते हैं किलो जूल्स भी कर सकते हैं किलो वाट भी कर सकते हैं यस किलो कैलरी भी कर सकते हैं कुछ लोग स्टूडेंट्स बता रहे हैं वेरी गुड तो किलो जो है ना ये सिर्फ प्रीफिक्स है प्रीफिक्स प्रीफिक्स मतलब समझ प्री मतलब पहले आने वाला सफिक्स मतलब बाद में आने वाला प्री मतलब पहले प्री मतलब पहले तो जो यूनिट के पहले लग जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं तो किलो हर चीज को लग सकता है वैसे इसमें से हर चीज ना मिली भी सबको लग सकता है मिली वॉट मिली जूल मिली न्यूटन मिली ग्राम मिली मीटर है ना वैसे सब तो माइक्रोमीटर माइक्रो न्यूटन माइक्रो जूल माइक्रोवाट हर चीज को नैनो भी सबको लग सकता है ऐसे सब चीज है ये सभी प्रीफिक्स है सबके पीछे लग सकते हैं ठीक है इस पे सुंदर से क्वेश्चन बनेंगे जय सर जय विचारता सर हमें कौनटी बुक फॉलो करायची आहे आता स्टडी करता ना आता स्टडी करताना स्टुडंट तुम्ही फॉलो करायचं आहे जे तुमचं इम्पॉर्टन्स वरती आहेत आहे ते त्याच्यावरती मी चॅप्टर बाय चॅप्टर अपलोड करत जाईल जेव्हा मला वाटतं की तुम्ही या चॅप्टरसाठी एन सी आर टी रेफर करायचं आहे तेव्हा मी तो एन सीआरटीला तो चॅप्टर अपलोड करत जाईल जेव्हा एच सी वर्मा बुक मध मी काही होमवर्क दिलं तर ती एच सी वर्मा बुक अपलोडेड असेल तुम्ही ते डाउनलोड करून ठेवायची आहे आणि ती रेफर करायची ठीक आहे जास्तीत जास्त तुम्हाला ही दोन बुक्स रेफर करायची आहे ठीक आहे एच सी वर्माचं बुक मॅक्सिमल रेफर करायचं आहे आणि सुरुवात जेव्हा सोपी सोपी सुरुवात होत आहे तर मी असा एन पार्ट रेफर करत आहे ओके मी काही स्लाइड पण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन पण यूज करणार आहे ते पण एनसीआरटीच्या बुक वरती बुकवरती बेस्ड असणार आहे ओके पण एनसीआरटी पुस्तक पूर्ण वाचायला आम्ही सजेस्ट नाही करत कोणी पण जनरली फिजिक्सला स्पेशली बिकॉज त्यातलं इंग्लिश थोडंसं टफ आहे वाचायला नाही नाहीये ठीक आहे तर त्याच्याऐवजी कोणी स्टेट बोर्डचं पुस्तक रेफर केलं तरी आम्हाला काही हरकत नाही कंटेंट तुम्हाला ऑलमोस्ट सेमच दिसणार आहे थोडं पुढे मागे असेल चॅप्टरमध्ये कोणती गोष्ट आधी कोणती गोष्ट नंतर दिलेली असेल पण तुम्ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचं पुस्तक पण रेफर केलं तरी चालेल सुरुवातीला हे सिंपल पुस्तक रेफर करायचे जेव्हा अजून टफ होमवर्क दिलं जाईल तेव्हा ते पुस्तक तुम्हाला दिल्या जाईल

आता ही जस्ट ही जी गोष्ट है सद्या जो अपन टेबल स्क्रीन वरती बगत है तुम्हारा का वाट हा टेबल एनसीआर टी मध्य महाराष्ट्र मध्य वेगड़ा का नहीं ये दुनिया के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में आप इंडिया में ही नहीं आप कोई दूसरे कंट्री में भी जाएंगे तो ये प्रीफिक्सेस यही है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है तो आप इंडिया की बुक यूज करते हो कि आप जापान की बुक यूज करते हो कि आप अमेरिका की बुक यूज करते हो वैसे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो एनसीआर और यू नो इसका क्या सवाल है तो वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिजिक्स तो फिजिक्स है आप कहीं पे भी देखो हुँ? लेकिन ऑब्वियस बात है कि अगर अपने खुद के स्टेट की खुद के कंट्री की कोई बुक है तो हम पहले वो रेफर करते हैं राइट That is the simple reason. तो कोई एम एस टी सी टी के लिए भी एनसीआर कर रहा है तो एग्जैक्टली exactly गलत नहीं होगा आपका नुकसान नहीं होगा लेकिन हाँ एग्जाम है ना उस उसी एग्जाम उसी, उसी टेक्स बुक का थोड़ा फ्लेवर ज्यादा रहेगा है ना तो जिस फ्लेवर में बुक बनाई गई है उस फ्लेवर में एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप वैसा आएगा तो वहाँ के फिर वही रेफर करना ज्यादा अच्छा रहता है तो MHT, CET वाले ज़्यादा महाराष्ट्र अगर कोई आप में से है कि सर हमें एम एच टी सी टी ही करना है तो आपने ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड बुक रेफर करना चाहिए और जो ज्यादा नीट और जेई के लिए फिक्स्ड है स्टूडेंट्स का उन्होंने ज्यादा एनसीआर टी रेफर करना चाहिए ज्यादा बोल रहा हूँ मैं दूसरी बुक नहीं रेफर करना ऐसा नहीं है ज्यादा आपने वो रेफर करना है एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़े तीसरी भी कोई बुक पढ़े उसमें की हर लाइन हर वर्ड जहां पे भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो समझा देना मेरी जिम्मेदारी है कहीं कहीं पे बुक्स में कुछ गलतियां होती है वो भी आपको बताना आपने पूछने पे कि हाँ बेटा तेरा सही है बुक का गलत है कभी कभी ऐसा होगा ज्यादा बार हो ऐसा होगा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुआ बुक का सही है तो मुझे आपको समझा देना पड़ेगा कि बुक में क्या बताया है कैसे बताया है Yes. So, यस, okay. हेडिंग दिया हुआ है, का हेडिंग मैंने दिया है कि कल का एक और होमवर्क था कांस्टेंट्स के, right? के बारे में तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट शायद आपको पता होगी द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टेंट हर एक को पांच पांच कॉन्स्टेंट मैंने एटलीस्ट याद करने का होमवर्क दिया था वैल्यूज के साथ तो मुझे लगता है इसमें के पहले तीन कॉन्स्टेंट सबको स्कूल लेवल में पता थे यस yes यस no, और और नो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ ऑफ लाइट चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले तीन पता थे तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पहले तीन मोस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे याद करने के लिए उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट ना इन्होंने जो दी है उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं है आपने स्कूल में स्पीड ऑफ लाइट कैसे याद किया था स्टूडेंट्स बताओ क्या वैल्यू लिखी थी स्पीड ऑफ लाइट की पावर yes, एट yes, yes. बिल्कुल चलेगा अभी भी आपने वही यूज किया तो इतना टू पॉइंट नाइन नाइन सेवन नाइन कहीं पे एक्यूरेसी यूज करने की जरूरत नहीं है हाँ फैक्ट हा, है कि वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है आपको मैं उससे भी और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता हूँ अगर किसी को एब्सुल्यूटली एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप नोट कर ले सकते हो आई एल जस्ट गिव यू एक मोबाइल नंबर के जैसा आप याद रख लो लिख लो टू नाइन नाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू टू नाइन नाइन लिखो कोई डेसिमल मत लिखो अपने पास लिख लो टू नाइन नाइन एक मोबाइल नंबर जैसा लिख लो चलो मैं इस चैट बॉक्स में भी टाइप कर देता हूं टू नाइन नाइन उसके बाद अगले तीन याद करना सेवन नाइन टू सेवन नाइन टू फोर फाइव एट फोर फाइव एट है ना इतना है मीटर पर सेकेंड में टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड ये बहुत एक्यूरेट मैंने दे दिया जितना आपको बुक में अभी छाप, छाप के दिया है उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मैंने आपको बोल दिया राइट बट अप्रोक्सिमेटली हम थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ही याद रखते हैं ओके अप्रोक्सिमेटली उतना भी आपके लिए काफी है चलो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप 1.6 पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इतना ही याद रखते कई बार अच्छा आगे कैपिटल सी है वो कैपिटल सी क्या है कोई टाइप करेगा कैपिटल सी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है कैपिटल सी इज फॉर कूलम यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कूलम पता है आपको याद है अच्छा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की भी वैल्यू छोटी है टेन टू द पावर माइनस इलेवन में है उसका यूनिट भी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्कूल से आया रे कोई फॉर्मूला पर से आया क्या किसी को कोई ग्रेविटेशनल कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या बताओ तो बताओ तो हमें रिवीजन करना जरूरी है है ना मैंने आपको पहले दिन के होमवर्क में दिया था कि फॉर्मूला लिख के आना है आपको तो आपने किया यस देखो सबसे पहले नीलकंठ ने फॉर्मूला वो लिखा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लेकिन प्रणव नीलकंठ सॉरी प्रणव के फॉर्मूले में रजिया ने सही लिखा है फॉर्मूला प्रतीक शर्वरी ने सही लिखा है आर्या ने सही लिखा है यस यस और उसी को रीअरेंज करके नट नटराज पाटिल ने भी लिखा है यस यस वेरी गुड स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जिनको नहीं याद आ रहा है वो व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड लिया है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला था जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ठीक है तो हर एक का यूनिट में साइड में लिखूंगा स्टूडेंट्स तो रेड कलर में या ग्रीन कलर में लिख लेते हैं देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है फोर्स का यूनिट इज न्यूटन कैपिटल एन में उसका यूनिट है आर इज अ डिस्टेंस डिस्टेंस का यूनिट मीटर तो आर का स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर मास का यूनिट पहले मास का यूनिट भी के दूसरे मास का यूनिट भी के जी देर फोर यूनिट ऑफ जी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ये मेरे ख्याल से नाइन्थ स्टैंडर्ड में होगा आपको ये जहां तक मुझे याद आ रही है नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको था देखो तो एफ और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी का स्क्वायर समझ रहे हो डिवाइडेड बाय के जी का स्क्वायर इसी को कोई बाई के जी का स्क्वायर है तो आपको लॉज ऑफ एंड पता है कोई डिनोमिनेटर में आता है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव लिखेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू के जी की पावर क्या लिखेंगे के जी रेस टू क्या लिखो मैं बताओ के जी रेस टू क्या लिखो माइनस टू वेरी गुड नीचे टू है तो ऊपर में के जी रेस टू माइनस ये सबको समझना है स्टूडेंट्स है ना आगे जाके अपने स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे ही लिखेंगे आप पावर्स में ही लिखेंगे पॉजिटिव पावर हो या निगेटिव पावर हो आप यूनिट को ऐसे ही लिखने अच्छा वैल्यू क्या थी वैल्यू क्या थी जी की वैल्यू थी therefore g is इज इक्वल टू अगर हम याद रखें तो 6.6 है ना ज्यादा एक्यूरेट में 6.673 ऐसा कुछ है आगे है ना 6.673 है। मैं अगर एक ही डेसिमल तक या दो डेसिमल तक ज्यादा से ज्यादा आपको बुक में थी इनटू टेन टू द पावर इलेवन जब मैं अप्रोक्सिमेट दिस इज ऑफ़ अप्रोक्सिमेट ओके ये जो मैंने दिस इज ये जो सिंबल होता है मैथ्स में सबको पता है दिस इज सिंबल ऑफ इक्वल टू है ना हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू उसको ही थोड़ा वेवी कर दो थोड़ा तिरछा कर दो ऐसे है ना जैसे झंडा लहराता है मान लो ऐसे टाइप का ना ऐसा थोड़ा वेवी कर दो तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली थोड़ा लहराता हुआ इक्वल टू बन जाता है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नॉट एग्जैक्टली जब सिर्फ इक्वल टू बोलते हैं दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जिंद लेकिन मैथ्स में कई चीजें हम एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लिखेंगे फिजिक्स में स्पेशली मैथ्स में एग्जैक्ट लिखते हैं कई बार फिजिक्स में स्पेशली अप्रोक्सिमेट वैल्यू से भी काम चल जाएगा रजिया पूछ रही है वन बता रही है वन ए एम यू आर आस्किंग ओके ओके okay, ओके okay. रजिया के क्वेश्चन का आंसर क्योंकि उसमें आगे आ रहा है मैं बताता था, था तब ए का लॉन्ग फॉर्म मैं बता रहा हूँ और डेफिनेशन आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे मास यूनिट यस एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट चलो ये जी तक आ गए स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको क्लियर है ये लिख लेना है जिनको जी का यूनिट याद नहीं था वैल्यू यूनिट के साथ याद नहीं थी उन्होंने ये फॉर्मूला जो ब्लू कलर में फार्मूला है और ये है लिख लेना है ठीक है लिख लेना है ये आपको जनरली कुछ दिनों में स्टूडेंट्स आपकी बैच जो है वो छोटे छोटे बैच में ट्रांसफर की जाएगी है ना छोटे छोटे बैचेस में पहले हो सकता है पचास स्टूडेंट्स के बैच में फिर उससे भी कम बीस पच्चीस स्टूडेंट्स के बैच में भी होगी तब आपका होमवर्क इवन टीचर पर्सनली चेक करेगा अगर ऑफलाइन में आते हो आप एकेडमी में तब तक लॉकडाउन खुल जाता है तो अच्छी बात है अगर लॉकडाउन रहता भी है तो भी आपको बोला जाएगा कि आप फोटो खींच के आपके नोट्स की आपको भेजना है तो आप ऐसा मत समझो कि आपकी नोट्स चेक नहीं होने वाली चेक नहीं होने वो सब आपको बताया जाएगा बैच बैचेस कैसे बनेगी उसकी आपको अभी चिंता नहीं करना है पहले तो नीट और इंजीनियरिंग वाले से मेडिकल इंजीनियरिंग वाले सेपरेट होंगे नेचुरली और 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 थोड़े टाइम में और उसके बाद उसमें भी बैचेस होगी होगी किस बेसिस पे होगी, आपको बताया जाएगा हमेशा कभी कभी आगे आगे टेस्ट के बेसिस पे भी होता है ओके ये भी आपको जानना है एक ही बेसिस में आपको बताता दो आगे मेरिट बेसिस पे जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अलग से जो कम परफॉर्म करेंगे उनकी एक अलग बैच रहेगी तो उनको फिर से ज्यादा पढ़ाया जाएगा थोड़ा स्लो पढ़ाया जाएगा पहले का रिवाइज कराया जाएगा है ना और जिनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर आगे का उनको पढ़ाया जाएगा बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स थोड़ा स्लो थोड़ा रिपीट ऐसा करके पढ़ाया जाता है ये सब आगे होगा जैसे जैसे अपने और चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे तब ये होगा तो ना तब आपका स्ट्रिक्टर चेकिंग होगा स्पेशली अगर आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा अभी आपको मैं होमवर्क चेकिंग को हंड्रेड स्टूडेंट्स का एक साथ थोड़ा कम प्रैक्टिकल है इट्स नॉट सो मच पॉसिबल लेकिन आपने नोट्स बनानी है अगर मुझे पता चलता है किसी दिन की मैंने मैंने सौ में से पाँच छ स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट करके मैं उनको पर्सनल मैसेज या ग्रुप पे भी मैसेज टाइप किया जाएगा कि ये छह स्टूडेंट्स की नोट्स आप फोटो खींच के भेजिए तो वो हमें मिल जानी चाहिए उसी दिन आपकी नोट्स ये नोट्स में ये चीजें होनी चाहिए जो होमवर्क दिया है वो होना चाहिए जो क्लास में लिखा गया है बोर्ड पे वो आपके नोट्स में होना चाहिए चलो इतना लिख चुके हैं तो मैं वापस से आ रहा हूं उस पीडीएफ पे अपेंडिक्स वाले पीडीएफ पे आते हैं कोई और यूनिट्स की बात करते किसी कुछ पूछना होगा उस पर देखो प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा फिजिक्स में कांस्टेंट भी फिजिक्स में आएगा और एवोगेड्रो नंबर जानते थे स्टूडेंट्स नंबर सब जानते थे मोल कॉन्सेप्ट मोल था पढ़ा हुआ साइंस में येस yes, तो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप याद कर लोगे टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री अभी तक के कांस्टेंट में सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स एवोगेड्रो देखना ऊपर के सब कांस्टेंट में अच्छा अभी जो स्क्रीन पे सब कांस्टेंट्स है उसमें सबसे बड़ा है एवोगेड्रो नंबर कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो सबका अलग अलग है न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी एवोगेड्रो कॉन्स नंबर की है कोई बताएगा मुझे सबसे छोटा कौन सा कांस्टेंट है अभी बोर्ड पे सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किस कॉन्स्टेंट की है वेरी गुड वेरी गुड प्लैंक्स कांस्टेंट की सबसे छोटी है है ना पावर में माइनस थर्टी फोर मतलब इतना छोटा है वो जीरो पॉइंट जीरो 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 ऐसा थर्टी फोर बार आने के थर्टी फोर भी बार सिक्स आएगा उसके पहले तैतीस बार जीरो ही आएगा है ना समझ रहे हो सब लोग ना तो इतने सारे डेसिमल्स उसमें जीरो पॉइंट जीरो 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 थर्टी थ्री बार एंड फिर सिक्स सिक्स टू सिक्स इतनी उसकी जूल सेकेंड में वैल्यू है तो इतना छोटा नंबर है सबसे छोटा है अभी तक के इसमें आगे देखते हैं और छोटा बड़ा मिलता है क्या देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर ये बहुत फेमस है ये भी आपको आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था क्या रे किसी को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे ख्याल से आपने याद कर लेना चाहिए मेरा सजेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद किया वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद करना चाहिए ये भी बहुत छोटा है है ना कांस्टेंट का नंबर उससे भी छोटा है लेकिन ये भी टेन टू द दावर माइनस माइनस न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना थोड़ा सा नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा मेरे हिसाब से ठीक है थोड़ा फर्क है उसमें लेकिन आपको ध्यान है प्रोटॉन का मास कितने गुना है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितने गुना है ये आपको स्कूल में था याद आ रहा है क्या हाउ मेनी टाइम्स नहीं चार हजार नहीं प्रोटॉन का मास ये इलेक्ट्रॉन के मास के कितने गुना है एप्रोक्सीमेटली यस 1800 गुना से ज्यादा 1800 गुना के ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मास को 1836 गुना 1836 के करीब या साढ़े 1850 के करीब से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन का मास ज्यादा है स्टूडेंट्स ओके प्रोटॉन का मास ज्यादा है और और थोड़ा सा बड़ा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का मास है ठीक है भले एग्जैक्ट वैल्यू आप याद ना रखो लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का मास है क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन के मास का कंपेरिजन पूछ सकते हैं तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का मास उससे बहुत बड़ा प्रोटोन का मास और उससे थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रॉन का मास चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में वापस इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद किया मास याद किया उनका रेशो भी आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स चार्ज कुलम में होता मास केजी में होता रेशो विल बीन कुलम पर केजी दो डेसिमल तक याद रखो 1.76 याद रख लो राउंड अप करके 1.76 याद कर सकते हो 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेंट द पावर इलेवन कुलम पर के जी कुलम पर के जी अच्छा फारेडेस कांस्टेंट सुना था किसी ने फारेडेस का कांस्टेंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी में फिर से फारेडेस कांस्टेंट सुना था क्या कुछ लोगों ने सुना था उसकी वैल्यू 96,500 भी अप्रॉक्सिमेटली आप याद रख सकते हो 96,480 दिया उन्होंने आप आप 10 टू द पावर फोर के जीरोज ऐड कर दो तो फा... कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 करीब करीब यूनिट ध्यान रखना है आपको चार्ज के यूनिट जैसा है शुरू में कुलम्ब मोल है पर मोल है राइट कांस्टेंट कॉन्स्टेंट का सिंबल भी आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल भी आर है ध्यान रखना इसमें से गैस कांस्टेंट ज्यादा फेमस है ओके गैस कांस्टेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो हम आएंगे बोर रेडियस रेडियस है तो मीटर में रहेगी ये भी बात आप समझते हो स्टीफन बोल्डमन ये सब आएंगे फिजिक्स में कांस्टेंट ये सब आएगा यू नो परमिटिविटी आएगा परमिएबिलिटी आएगा परमिटिविटी इलेक्ट्रिसिटी में आता है परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म में आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी के जो दो कॉन्स्टेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी आपके याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं है नहीं याद किए तो भी कोई बात नहीं बाद में आपको याद जाएंगे चलो एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूं एक बार रिवाइज करते हैं पांच कांस्टेंट किसी ने याद किए हैं क्या पांच कांस्टेंट किसी ने याद किए हैं क्या सी सबसे पहला कांस्टेंट क्या याद करा है अपन ने सबसे पहला कांस्टेंट टेबल में क्या था क्या था स्पीड ऑफ लाइट राइट स्मॉल सी इज स्पीड ऑफ लाइट इसका अप्रोक्सिमेट थ्री इंटू टेन टू द पावर एट ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वेरी गुड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलना जरूरी है बाकी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज सी ठीक है दूसरा हमने क्या याद किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई स्मॉल ई की वैल्यू अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इन कुलम्ब वेरी गुड ये सेकेंड था थर्ड वाला ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट याद किया अप्रोक्सिमेटली सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस कितना था माइनस माइनस टेन टू दावर माइनस इलेवन वेरी गुड यू यूनिट क्या बन रहा था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय के जी स्क् के जी रेस टू माइनस टू ये बन रहा था अच्छा इसमें एक मैं आपको याद दिला ये जो 6.67 है इसको अप्रोक्सिमेशन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप 20 बाय थ्री कर सकते हो 20 बाय थ्री भी अप्रोक्सिमेटली 6.67 पॉइंट ही आता है तो आपको आसान हो जाएगा है ना ना ऐसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होता है लेकिन ना रेशियो में आप कई बार मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो तो ये आपको एक शॉर्टकट मैंने अभी बता दिया ट्वेंटी बाई थ्री ठीक है बहुत अच्छा अभी और इसके बाद हमने क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मा कांस्टेंट सबने याद नहीं किया होगा आगे याद कर लेना कोई बात नहीं है मास कर लेते हैं माइनस थर्टी वन के जी अरे हाँ एवोगैड्रो नंबर भी बीच में आया था एवोगैड्रो नंबर को एन कैपिटल एन कभी कभी नीचे ए देते हैं एवोगैड्रो नंबर इसकी वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू या जीरो टू टू कभी कभी बुक्स में जीरो टू टू कभी कभी जीरो टू थ्री है फर्क नहीं पड़ेगा दोनों चलेगा अलग अलग बुक्स में वो है पावर में आपको चेंज नहीं होना चाहिए पावर ट्वेंटी थ्री है इसका यूनिट किसने याद किया था क्या इसको भी यूनिट था स्टूडेंट्स देखते हैं किसने याद किया था देखते है किसने याद किया था, याद किया था नहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया था शायद कोई यूनिट इसका नहीं बता पा रहा है ओहो ये यूनिट पे ध्यान रखना स्टूडेंट स्टार करके रखता हूं मैं मिनट 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 दिया था ध्यान ठीक है ओके 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 कुछ लोग दे रहे यूनिट पे ध्यान था आपका फाइन अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ लाइन चली गई है तो स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है तो अब मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है मैं जो लिख रहा हूं आपको दिख नहीं रहा है सैड स्टोरी पर मोल आपने लिखा था मुझे वो आपका भी दिख नहीं रहा था पर मोल बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स पर मोल मोल रेज टू माइनस वन एमओ एल फॉर मोल रेज टू माइनस वन एमओ एल पर मोल रेज टू माइनस वन यस अच्छा इस के बाद चलो ये पांच कांस्टेंट हो गए अभी के लिए रुकते हैं स्क्रीन आने के बाद मैं हम उस पर रिटर्न आएंगे अच्छा अभी स्क्रीन नहीं है तो मैं क्या करूंगा आपको पता है स्क्रीन नहीं है तब तक मैं कुछ ना कुछ तो ऑडियो और चैट बॉक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा अच्छा ये जो डेका डेसी वाला सब था उस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तब तक लाइन भी आ गई देखो तो चलो कॉन्स्टेंट भी कंटिन्यू कर लेते लाइन आ गई है बैक तो इंटरनेट कनेक्शन काम करेगा इन मिनट और सो काम करना चालू कर दिया अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स पर मोल जो मैंने लिखा हुआ है दिख रहा है वैल्यू के साथ यस पर मोल लिखा हुआ दिख रहा है है स्क्रीन आ गई है वापस गुड तो नंबर और ये अच्छा अगला कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रॉन का ई बायम ई रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज और मास का आप रेशियो ले, ले लेंगे तो अप्रोक्सिमेट आंसर आएगा 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन टू द पावर इलेवन इंटू टेन टू द पावर इलेवन यूनिट क्या होगा यूनिट होगा कुलम पर के जी गुड कुलम पर के जी पर मतलब रेस टू माइनस वन पढ़ेंगे कुलम पर के जी उसको पढ़ेंगे कुलम पर के जी चलो छह कॉन्स्टेंट हो गए और एक फेरेडेस कॉन्स्टेंट कुछ लोग बोले कि याद था आपको पता था तो मैं वो भी लिख रहा हूँ फेरेडेज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट था कैपिटल एफ कैपिटल एफ की अप्रॉक्स वैल्यू में आपको याद करा रहा हूँ साढ़े श्याण हजार श्याण हजार पांच सौ एक लाख से थोड़ा कम है एक लाख से थोड़ा कम नंबर है उसका है ना हिंदी मराठी में आप याद कर सकते हो छियानवे हजार साढ़े छियानवे हजार मराठी में साढ़े श्याण हजार श्याण हजार पांच यूनिट लिखो स्टूडेंट्स यूनिट के बिना कंप्लीट नहीं होता है ये भी यूनिट कम लोगों को याद होगा क्या यूनिट है यस ये चार्ज होता है फेराडेज कॉन्स्टेंट जो होता है ना चार्ज होता है तो कूलम में आता है तो कूलम में आता है कुलम पर मोल अच्छा मैं आपको थोड़ा मैजिक बता देता हूँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको मैं मैजिक बता देता हूं कि ये वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी ये वैल्यू आपकी आपने याद करी हुई कुछ वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करके आएगी ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर करके आएगा देखना स्टूडेंट्स फेरेडेस कांस्टेंट फेरेडेस कांस्टेंट जो है आपका ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो आ जाएगा ओके okay? क्योंकि फेरेडिस कांस्टेंट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन उसकी डेफिनेशन है फेरेडिस कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन ओके बताता हूँ यस तनवी तनवी आई विल एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट पेज ठीक है ये जो E है दैट इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन ठीक है माइनस नाइनटीन चार्ज ऑन ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ या तो ऑन लिख सकते हो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो तन्वी अगर मैं सवाल पूछू क्वेश्चन में पूछू की वॉट विल बी चार्ज ऑन वॉट विल बी चार्ज ऑन थ्री इलेक्ट्रॉन तो तनवी तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर की वैल्यू को आंसर क्या दोगे इसका किससे मल्टीप्लाई करोगे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ना बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं एग्रीड ना तनवी तनवी का भी जवाब मुझे चाहिए द क्वेश्चन यस है ना तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो तीन इलेक्ट्रॉन का पूछा तो क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स ई है ना थ्री टाइम्स ई मतलब थ्री इन यस 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 प्रोटोन का इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली दिस इज मैग्नीट्यूड वेरी करेक्ट पॉइंट कोई तो भी आ, बोल रहा था रंजीत ने बताया कि सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होना चाहिए ऐसा सोचना क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ओके okay? मैग्नीट्यूड मतलब साइन लेने की जरूरत नहीं है प्लस या माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है एग्जैक्ट आप साइन के साथ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव आना चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच तो थ्री टाइम्स करेंगे तो थ्री टाइम्स वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन होगा ओके okay? तो ये आंसर क्या आएगा देख लेना फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन आएगा राइट ये आया साक्षी भोपकर पॉजिटिव चार्ज नो क्या मिनट चार्ज पॉजिटिव भी होता है स्टूडेंट्स निगेटिव भी होता है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड बोला है तो आपको निगेटिव नहीं लेना है जब मैग्नीट्यूड बोलेंगे ना तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है भले ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है बट तो उसका मैग जैसे कि आपको पता है ना माइनस सपोज कोई नंबर है माइनस फोर तो माइनस फोर का मैग्नीट्यूड होगा प्लस फोर मैग्नीट्यज पॉजिटिव नंबर होगा मैग्नीट्यूड ठीक है यस चलो तो आप ये पूरा पेज लिख लोगे थोड़ी देर बाद ये मैंने तन्वी को एक्सप्लेन करने के लिए किया लेकिन सब लोग इस पर से लिख लोगे थोड़ी देर बाद मैं तीन क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको अगर आपको पूछा चार्ज ऑन वन डजन इलेक्ट्रॉन्स 1 डजन इलेक्ट्रॉन्स तो कोई सिंबल में बताएगा कितना चार्ज होगा सिंबल में बता वेरी गुड वरुण बहुत अच्छे वरुण का फास्टेस्ट आंसर आया ट्वेल्व yes. तो आंसर होगा ट्वेल्व ई ट्वेल्व ई बहुत अच्छा ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं है ना ट्वेल्व इंटू इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ट्वेल्व इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस अच्छा पिछले का यूनिट भी कुलम था ओके okay? तो यूनिट लिखना जरूरी है लास्ट स्टेप में तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है बीच में नहीं लिखोगे तो चलेगा लास्ट स्टेप में लिखना जरूरी है ठीक है बारह इंटू सोलह का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स वन नाइनटी टू हो जाएगा वन नाइन नाइनटीन पॉइंट टू आ जाएगा करेक्ट नाइनटीन पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटी ठीक है यूनिट फिर से लिखना है आपको चलो अब लास्ट क्वेश्चन से तनवी के सवाल का जवाब आ जाएगा चार्ज ऑन चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आंसर इज आंसर में नहीं 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 कुछ लोगों का आंसर गलत है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू नहीं होगा स्टूडेंट सिक्स पॉइंट जीरो टू टू नहीं होगा किसका आंसर सही मैं बोल रहा हूँ प्रणव कदम का आंसर सही है प्रथमेश मदने का आंसर सही है उसके पहले प्रणव नीलकंठ कदम का पहला आंसर सही था प्रणव नीलकंठ कदम का पहला आंसर वन मोल ई सही था तो आंसर देखो वन मोल से मल्टीप्लाई होगा वन जैसे वन डजन एक नंबर है वैसे वन मोल भी एक नंबर है तो वन मोल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ई की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स अच्छा वन मोल क्या होता है वन मोल होता है एवोगेड्रोज नंबर तो एवोगेड्रोज नंबर एन ए होगा ठीक है तनवी को शायद अब समझ आया होगा

10 टू द पावर -19 दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स यस आर यू हैप्पी विद दिस स्क्रीन आपको जो दिख रहा है इफ यू आर हैप्पी टाइप यस हैप्पी हैप्पी टाइप करो एक कुछ लोग तो भी टाइप हैप्पी ओके फाइन चलो क्योंकि कभी-कभी स्क्रीन शेयरिंग वर्क नहीं कर सकता अभी दिख रहा है सबको गुड 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 नेक्स्ट तो अब आप समझ गए Na फर्स्ट ब्रैकेट इज एवोगैड्रोस नंबर है ना इंटू सेकेंड ब्रैकेट चार्ज मतलब ये पूरा का आंसर मुझे क्या देगा कि एक पे कितना चार्ज है देगा? एक कहा गया है इस चार्ज की वैल्यू को ही... तो हमें जो आंसर मिलने वाला है ये फेरेडेस कांस्टेंट का आंसर मिलने वाला है। देखो अप्रोक्सीमेटली साढ़े छियानो हजार आया कि नहीं साढ़े छियानवे हजार के आसपास आया कि नहीं

यस yes. तो इसका आंसर है नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड अप्रोक्स आंसर है नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कूलम में आया आंसर ठीक है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास आया है कूलम में आया हुआ है तो फैरेडेस कांस्टेंट जो है वो यही वैल्यू है कूलम में यही वैल्यू है कूलम में लेकिन आप उसको साथ साथ यूनिट लिखोगे पर मोल पर मोल क्यों लिखते हो मैं अगले पेज पे समझा देता हूँ अगले पेज पे समझा देता हूँ फिर आपको ये पेज लिखने को मैं टाइम दूंगा जिन्होंने नहीं लिखा है अच्छा आपको समझ रहा स्टूडेंट्स एक बात सपोज सपोज ऑरेंजेस नहीं बनानास की बात कर लेते ओके बनानास okay? की बात कर लेते बनानास मान लो यू आर गेटिंग रुपीज इंडियन रुपीज इंडियन रुपीज फोर पर बनाना पर बनाना तो यही प्राइस को आप पर डजन में क्या लिखोगे बताओ हाँ स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग ले सकते हो दैट इज फैंटेस्टिक स्क्रीनशॉट यस रुपीज फोर्टी एट है ना तो रुप तो आप प्राइस क्या लिखोगे आप आगे लिखोगे रुपीज फोर्टी एट पर डजन पर डजन ओके पर डजन पर डजन बनाना डजन मतलब बारह तो पर डजन तो इसी को हम लिखेंगे फोर्टी एट पर डजन है मतलब क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू माइनस वन यस रुपीज फोर्टी एट पर डजन ये ना ये बनाना के वैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको किसी ने पूछा तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कुलम में दे देंगे आप है ना 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है इलेक्ट्रॉन लिखते समय पर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है लेकिन इसी को आप डजन के जैसा मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका अप्रॉक्सिमेटली आंसर आता है नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो भी आप लिखोगे कूलम में लेकिन अब पर क्या लिखोगे पर डजन लिखोगे क्या नहीं पर मोल लिखेंगे राइट अब आई ये बात समझ में क्यू फेराडेज में पर मोल था जैसे रुपीज रुपीज पर डजन आप बनाना में लिखते हैं वैसे यहाँ पे कूलम पर मोल है ठीक है चलो चलो ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स आई डोंट माइंड बट आपको नोट्स बनाने की भी हैबिट होनी चाहिए आपके पास खुद कुछ चीजें लिखी हुई भी होनी चाहिए ठीक है जब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे ना जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीन काफी है बट ये आप लिख लीजिए आज हमने पढ़ा है तो आई वेट फॉर वन मिनट और टू मिनट्स प्लीज राइट दिस डाउन शर्विल ग तेरे सवाल का जवाब है यस पर मोल मींस वन अपॉन मोल एब्सोल्युटली करेक्ट पर मोल मींस वन अपॉन मोल यस अर्पित गोसावी अर्पित गोसावी एंड प्रसाद सातपुते आर आस्किंग सर एक्सप्लेन अगेन एक्सप्लेन देखो ये पेज मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पेज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकी लोग लिखने लगो हाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू हमें पता थी ऊपर है तो थ्री इलेक्ट्रॉन का थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है ना फाइव इलेक्ट्रॉन का फाइव से मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन का ट्वेल्व से मल्टीप्लाई होगा तो डजन में ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन का ट्वेल्व से मल्टीप्लाई हो जाएगा हुँ? और वन मोल इलेक्ट्रॉन ये वन मोल नंबर ही एवोगाड्रो नंबर होता है वन मोल नंबर ही जैसे डजन मतलब बारह होता है वैसे वन मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है जिनको याद नहीं था उनके लिए ये जरूरी है मैं आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ वन मोल मतलब एन ए एवोगेड्रो नंबर जो है उतना बड़ा नंबर होता है जैसे वन डजन जैसे वन डजन मतलब बारह होता है वैसे ही वन मोल मतलब एवोगेड्रो नंबर होता है ठीक okay. यस, गौरव गौरव पार्ट नहीं समझला uh, पेज वर कि नेक्स्ट पेज आई एल एक्सप्लेन वॉट एवर यू डिड नॉट अंडरस्टैंड या पेज तीन क्वेश्चन है पेला दुसरा तीसरा क्वेश्चन पास नहीं समझ नेक्स्ट पेज ठीक है नेक्स्ट पेज से एक्सप्लेन एक्स करते हैं पेज सग नोट डाउन हो न्युंदे? थोड़ा एक अजून काही सेकंड मी थांबतोय कोणाचं राहलं असेल लिहायचं तो जस्ट कंप्लीट इट देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज का पार्ट एंड देन ईशा के सवाल का भी जवाब दूंगा मैं ठीक है मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग डन आते अगले पेज पे ठीक है अगले पेज पे आते हैं yes. यस जब आपको किसी ने बताया कि बनाना के कॉस्ट क्या है किसने पूछा आपको तो आपने जवाब दे दिया चार रुपए का बनाना है पर बनाना पर बनाना पर बनाना को आप ना पर, पर बनाना मतलब पर बनाना मतलब वन बनाना ओके पर, पर वन बनाना पर वन बनाना गे? एक बनाना ठीक है एक बनाना चार रुपए का है तो किसी ने आपको पूछा मार्केट में जाके कि एक डजन खरीद के लाओ तो आप उनको क्या बोलोगे क्या पूछोगे आप बोलोगे कि एक डजन के कितने रुपए लगेंगे तो सामने वाले ने बोला कि भाई फोर्टी एट रुपीज दो हम्म फोर्टी एट रुपीज दो तो आप इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ बनाना को चार रुपए एक की थी लेकिन फोर्टी एट रुपीज एक डजन की है सामन्याला बोले का की ना मराठीमध्ये म्हणाल ते ना अठ्ठेचाळीस रुपयाला डझन भेटतील है ना अठ्ठेचाळीस रुपयाला डझन दिले ठीक आहे केळी कशी दिली अठ्ठेचाळीस रुपये दे म्हणजे अठ्ठेचाळीस रुपये भाव कितीचा आहे पर डझनचा आहे ठीक आहे जर तुम्हाला दोन डझन घ्यायचे असतील तर तुम्ही यालाच लिहू शकता रुपीज नाईन्टी सिक्स रुपीज नाईन्टी सिक्स पर पर टू डजन पर टू डजन है ना ये पर जो है मतलब डिनोमिनेटर में आएगा तो नाइनटी सिक्स बाई टू वापस फोर्टी एट हो जाएगा तो फोर्टी एट रुपीज पर डजन मतलब ही नाइनटी सिक्स रुपीज पर दो डजन तो दो डजन अगर आपको खरीदने हैं तो नाइनटी सिक्स रुपीज देने पड़ेंगे समझ में आया ना तो ये पर डजन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो भाव है जब रेट होता है ना पर में होता है पर डजन पर के पर लीटर है ना दूध का भाव होगा इतने इतने रुपए पर लीटर है ना दाल का राइस का व्हीट का भाव होगा गेहूं का पर केजी इतने इतने रुपए पर केजी बनाना का भाव होगा इतने इतने रुपए पर डजन ठीक है पर डजन पर का मतलब उतने के लिए उतना है अच्छा कल्पेश खांडेकर हाउ किस चीज के लिए पूछ रहे हैं अच्छा रेस टू माइनस वन इसलिए बेटा क्योंकि पर आया जब भी पर आएगा ना पर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पर मेरे ठीक है तुझे और एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी को ये रुपीज फोर्टी एट पर डजन समझने में पर समझने में किसी को तकलीफ हो रही है थोड़ी सी तो सर मतलब जो पर डजन है वो ऊपर जाके हाँ समथिंग लाइक देखो रुपीज फोर्टी एट पर डजन पर डजन मतलब डिवाइडेड बाय डजन जैसा है ये डजन बनाना डजन बनाना अच्छा तो रुपीज फोर्टी एट पर डजन मतलब डजन बनाना जो है ना ये इसी चीज को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको री एक्सप्लेनेशन चाहिए अब डजन मतलब होता है बारा, तो नीचे कर दो बारह कर दो बारह तो फोर्टी एट बाय बारह क्या आ जाएगा फोर्टी एट बाय बारह वापस चार ना आ जाएगा क्या रुपीस फोर डिवाइडेड बाय बनाना है ना बारह चला गया तो एक ही बनाना बचा तो रुपीज 4... पर पर बनाना तो बेटा पर मतलब चीज डिनोमिनेटर में है भले लिखेंगे हम ऐसे साइड में लेकिन पर बनाना मतलब है कि हर बनाना के चार रुपए है हर बनाना के चार रुपए तो हर बनाना के चार मतलब पर बनाना तो ऑलवेज यू टू राइट डिनोमिनेटर होती है आई होप okay? अब सभी को क्लियर है फुल क्लास मस्ट बी क्लियर विद ठीक है तो अब पर डजन सबको समझ गया डजन रेस टू माइनस वन क्यों आया वैसे ही नीचे पर मोल तो मोल रेस टू माइनस वन आ रहा है चार जॉन इलेक्ट्रॉन सुपर सुपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगले पूरे दो साल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपको जहां जहां ऐसा पर मोल आएगा तो आज का लेक्चर आपको याद करना है यही उसकी अंडरस्टैंडिंग है ओके फैंटास्टिक ठीक है चलो एक और वैल्यू मैं आपको बता के आज का रोकता हूं आ, रोकता नहीं हो मतलब यूनिट्स पे बढ़ते हैं फिर आगे वो जो टेबल था स्टूडेंट्स उसमें एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था आर एक आर था कांस्टेंट एक आर था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ठीक है उसकी वैल्यू को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं सब कुछ एवोगैड्रो से कनेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ तो जो आपको आंसर मिलता है उसको स्मॉल के बोला जाता है वो भी कांस्टेंट उस टेबल में उसकी वैल्यू थी आपके पास ठीक है तो कुछ और कांस्टेंट आप याद कर पाओगे This is Avogadro number. ये सब लोगों ने याद किया है एवो नंबर एवो नंबर है और के का नाम आपको उस टेबल में कहीं तो दिख रहा होगा स्मॉल के बोल्डमन ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है बोल्डमन कॉन्स्टेंट ओके बोल्ड मन कॉन्स्टेंट ये भी एक चीज है जो दोनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों तो नीट स्टूडेंट्स जेई स्टूडेंट सबको बहुत कम में आएगा ये बोल्डेंट आर अपॉन एन ए अच्छा आर की वैल्यू क्या हुआ करती है आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आपको उसमें दिखेगा एट पॉइंट थ्री वन फोर उसका यूनिट कैसे आता है मैं एक अगले चैप्टर में बताऊंगा जूल पर मोल पर केल्विन है ना कैपिटल के कैपिटल के इज केल्विन के लिए होता है स्टूडेंट्स ओके कैपिटल के जब यूनिट आता है कैपिटल के इट इज फॉर केल्विन है ना किसी के घर में फ्रिज केल्विनेटर का फ्रिज होगा अलग अलग एल कंपनी का फ्रिज होता है अलग अलग कंपनीज के फ्रिज होते हैं तो है ना केल्विनेटर एक फ्रिज का नाम किसी ने पढ़ा सुना होगा तो वो केल्विन केल्विन इज अ साइंटिस्ट नेम तो कैपिटल के अच्छा एवोगेड्रो नंबर क्या होता है एवोगेड्रो नंबर होता है पावर ट्वेंटी थ्री इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ये होता है पर मोल ये होता है पर मोल इतना जैसे ना बारह पर डजन वैसे एवोकेड्रो का होता है पर मोल अच्छा आप स्टूडेंट समझ रहे हो आप ऊपर का पर मोल और नीचे का पर मोल कैंसिल हो जाएगा ऊपर का पर मोल और नीचे का पर मोल कैंसिल हो जाएगा ना सेम सेम चीज जो भी है कैंसिल हो जाएगी यस ठीक है तो आंसर अप्रोक्सीमे में क्या आएगा ये आप एट बायस करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे कर लेना अप्रोक्सिमेटली वन पॉइंट थ्री एट आएगा अच्छा टेन की पावर क्या आएगी कोई बताएगा टेन की पावर क्या यस यस नंदन हैज टाइप्ड इट वेरी वेल नंदन ने एक गलती करी यूनिट कैपिटल्स में लिखने पड़ेंगे बस नंबर बहुत अच्छे से लिखा उन्होंने टेन टू द पावर यस माइनस ट्वेंटी थ्री है ना जूल पर केल्विन ये भी कांस्टेंट आपको उस टेबल में दिखेगा ठीक है ये भी कांस्टेंट आपको ठीक ठीक है थीक है हाउ किस चीज के लिए पूछ रहा है प्रथमेश हाउ किस चीज के लिए पूछ रहा है तू आर इज यूनिवर्सल यस यस ज्ञानेश्वरी आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट मैंने लिखा है देखो ऊपर यस आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हाउ माइनस ट्वेंटी थ्री प्रथमेश हाउ माइनस ट्वेंटी बेटा डिनोमिनेटर में देख डिनोमिनेटर में 10 की पावर 23 है है ना तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव पावर होती है लॉज ऑफ इंडाइसिस वापस लॉज ऑफ इंडाइसिस a टू द पावर माइनस एम होता है वन अपॉन a टू द पावर m प्रथमेश मद ने लॉज ऑफ इंडाइसिस कल इसीलिए मैंने कल पहल पढ़ा दिया पहले लॉज ऑफ इंडेसिस पढ़ेंगे तब यूनिट ये yes, ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ठीक है इसका यूज करके वो माइनस ट्वेंटी थ्री हो गया ऑल राइट सीम्स टू बी क्लियर टू ऑल साक्षी भापकर कैपिटल एन क्या है कैपिटल एन है साक्षी एवो नंबर एवो नंबर एवो नंबर एवो मतलब मोल वाला नंबर होता है ठीक है सार्थ शाह आस्किंग सर व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर देख उसकी वैल्यू तो तुझे दिख रही है जो डिनोमिनेटर में लिखी है सिक्स पॉइंट है ना एवोगैड्रो नंबर होता है एक मोल में कितने सब्सटेंस होंगे जैसे डजन बारह होता है वैसे ये नंबर एवोगैड्रो होता है ये नंबर कैसे आया आएगा अभी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आएगा फिजिक्स में कुछ चैप्टर बाद आएगा ठीक है ना स्कूल में किया हुआ था वो अगर आपको डिटेल याद तो वापस आने वाला नंबर ये कैसे आया डजन बारह हमको ठीक है वन मोल का नंबर ये सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री कैसे आया तो अगर ये आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको इंतजार कर लीजिए इलेवेंथ में ही आप पढ़ लेंगे इसके डिटेल्स yes. प्रसाद सात पुते माय कमेंट प्रसाद ने बोला सर हाउ कैन अंडरस्टैंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और राइट बर्केंट चैप्टर पे डिपेंड करेगा प्रसाद चैप्टर पे डिपेंड पर राइट बर्क कॉन्स्टेंट आएगा एटोमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में दोनों के फॉर्मुले बहुत अलग अलग है ठीक है दोनों के फॉर्मुले बहुत अलग अलग है राइट बर्क कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला बहुत अलग है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला बहुत अलग है वाला PV equal to NRT. के लिए कुछ बुक्स, जैसे अपने महाराष्ट्र बोर्ड बुक में किस क्या नोटेशन है आपको मैं एक और नोटेशन बता देता हूँ वो है तो आप पक्का समझ लेना की वो राइटबर्ग कॉन्स्टेंट है राइटबर्ग कॉन्स्टेंट का नोटेशन आर देने के बदले आर के नीचे एच ऐसे भी टाइप करते हैं ना आर फॉर एच एच फॉर हाइड्रोजन ये राइट बर्क कॉन्स्टेंट जो होता है फर्स्टली हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट जो एटॉमिक नंबर का वन एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसके लिए होता है तो कई बुक्स राइट बर्ग कॉन्स्टेंट के लिए आर एच ऐसा नोटेशन यूज करते हैं राइट बर्केंट का वेराज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का कोई और यूनिट सिंबल नहीं है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को हमेशा आर करके ही डिनोट करेंगे ओके okay, हमेशा उसको आर करके ही डिनोट करेंगे शरद पंड जय शरद जगतापन तो प्रश्न विचार तो है तर आ, हे चॅप्टर चॅप्टर वर येऊन जाईल बऱ्याच गोष्टीचे ना सेम सिंबॉल हे आपण वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये वेगवेगळ्या वेग गोष्टींसाठी वापरू हे फक्त आर साठी नाही बऱ्याच गोष्टींसाठी येणार आहे जिथे इथे स्मॉल के इज अ बोल्डमन कॉन्स्टंट तर हिट अँड थर्मोडायनामिक्सच्या चॅप्टरमध्ये स्मॉल के इज बोल्डमन कॉन्स्टंट पण बाकी वेगळ्या चॅप्टरमध्ये स्मॉल केला वेगळा सिंबॉल देतो आपण वेगळ्याच गोष्टीसाठी तो सिंबॉल वापरतो तर जसं जसं आपलं सेप वेगवेगळ्या चॅप्टर येत जाईल तर वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्यासाठी विचारतात तेव्हा प्रश्न विचारला जर तुम्हाला कळेल की हा इलेक्ट्रोस्टॅटिकचा प्रश्न आहे किंवा हीटचा प्रश्न आहे की हा लाईटचा प्रश्न आहे त्याच्यावरून तुम्हाला समजून जाईल की हा के कोणता आहे हा आर कोणता आहे ठीक आहे तर क्वेश्चनच्या रेफरन्स तुम्हाला कळून जाईल फॉर्म्युला हा कोणत्या चॅप्टरचा आहे सगळे चॅप्टर जसे जसे होतील ते तुम्हाला कळून जाईल येस रणजित शिंदे नाही रणजित शिंदे पी व्ही इक्वल टू टी मधला जो आर आहे बेटा तो युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे तो राईट बर्ग कॉन्स्टंट नाही येस पी व्ही इक्वल टू एन आर टी फॉर्म्युला काही जणांना माहिती आहे तो पण अकरावीचा फॉर्म्युला आहे काही फाउंडेशनच्या स्टुडंट्सना माहिती असेल असं तर त्यांना साठी सांगता आर इज गॅस कॉन्स्टंट युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट येस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आयडियल गॅस चलो इतना डिस्कशन काफी है आज के लिए उस टेबल पे जो मैंने आपको होमवर्क टेबल दिया था वो अब कुछ नया पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज अब कुछ नया पढ़ते हैं आज हेडिंग आप लिखोगे अच्छा कल्पेश के कमेंट भी पढ़ना है क्या ठीक है कल्पेश कल्पेश कमेंट एक मिनट hmm, कल्पेश की कमेंट कहाँ पे है रे थोड़ा ऊपर और ओ माय कमेंट एक मिनट एन इज इक्वल टू वन मोल करेक्ट है क्या यस yes, बेटा बिल्कुल करेक्ट एन इज इक्वल टू वन मोल लिखेगा तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू पी अपॉन एन वो दो चैप्टर बाद आएगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दस चैप्टर बाद आएगा तब एक्सप्लेन कर लेंगे अभी कोई अभी क्या हो जाएगा ना बच्चों ये चीजें मैं बताने लगूंगा तो फिर से वही जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है उनको लगेगा अरे 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 एकदम नया है है ना तो मैं अभी ये बात नहीं बताऊंगा वो चैप्टर आएगा तब डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे यस वो फॉर्मूला आएगा तब वो चैप्टर आएगा तब हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे बच्चों ठीक है P for pressure, V होता, 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 N for number of moles होता, T है ना? लेकिन ये हम बाद में बता देंगे. यस yes. वरुण गोड से थैंक यू हर्षल के सवाल का जवाब वो दे दिया One मोल का क्या answer होता है हाउ मच क्वांटिटी हर्षल तांबे तेरा जवाब दो कमेंट बाद वरुण गोड से ने दे दिया है Absolutely करेक्ट ठीक है साक्षी भापकर हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन फिजिक्स अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग चैप्टर होते हैं क्योंकि एक चैप्टर चैप्टर कहीं कहीं बड़ा होता है है पे उसी को दो-तीन में ब्रेक किया जाता है। तो करीब करीब पचास चैप्टर आप ध्यान समझ लो करीब करीब पचास चैप्टर्स फोर्टी सेवन चैप्टर एग्जैक्टली एच वर्मा बुक के हिसाब से लेकिन आपको मैं बता दू की एनसीआर बुक के हिसाब से करेंगे तो करीब करीब तीस पैंतीस चैप्टर में हो जाता है, है ना एच तो सी वर्मा में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर कंबाइन करके लिए जाते हैं तो उस हिसाब से चैप्टर की संख्या पैतीस चालीस तो ऑन एन एवरेज आप चालीस भी याद रखो तो चलेगा एच एस सी में कितने चैप्टर्स है एच एस सी में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बेटा कितने चैप्टर्स exactly, में बताता हूँ तुझे एग्जैक्टली अभी आई ऑर्जी सोलह ही चैप्टर्स है एच एस सी में ट्वेल्थ में सोलह ही है इलेवेंथ में भी करीब उतने ही होंगे HSC में 12th standard के ही आपको important HSC, तो में सिर्फ 16 है है, है? तो 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 में में सिर्फ़ भी के आसपास होंगे हो जाते हैं, ठीक ना तो no, आप याद रख लो, at least 30 chapters आपको करने हैं कभी कभी वो छोटे चैप्टर उसमें छोटे छोटे ब्रेक कर देंगे तो फिर वो तीस की संख्या 35, चालीस मैक्सिमम फोर्टी तक चली जाती है right? पूरा 11, अब आते हैं समथिंग इम्पोर्टेंट पे नया जो आज हमें पढ़ना है जो आज का हेडिंग है उस पे नहीं आएंगे आज तो फिर क्या फायदा हरे कृष्ण

एक सेकेंड के लिए वो वापस बंद होगा और वापस शुरू होगा यस, इलेवेंथ स्टैंडर्ड का एकदम शुरुआत का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप पहले समझ लीजिए जब लिखना है मैं आपको बोलूंगा यस yes, इसको आप फर्स्ट चैप्टर मान सकते हो ncert के सबसे फर्स्ट चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन है फिजिकल फिनोमेना वगैरह बताया है लेकिन उस पे कोई सवाल नहीं बनता है असली नीट जेए का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ये बनेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर का पहला सेक्शन का नाम है असली पहले चैप्टर का पूरा नाम बनेगा यूनिट्स एंड डाइमेंशंस ठीक है वो डाइमेंशन हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे पहले चैप्टर का ही इस यूनिट्स मेजरमेंट ये उसका पहला पार्ट है ये पहले चैप्टर का पहला पार्ट है नीट एग्जाम एंड जेड एडवांस के लिए वाई डज रेनबो है पैटर्न देखो सिर खुजा रहा है बाजू में कोई तो भी थिंकिंग अबाउट इट यस yes, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है डिफरेंट वेव लेंथ डिफरेंट कलर डिफरेंट वेव नर्सरी से गा रहे हो लेकिन अभी साइंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्यों क्यों वाई साइंस ये वाई हाउ इस चीजों का जवाब साइंस देता है वाई डू स्टार्स ट्विंकल एटमोस रिफ्रैक्शन आप लाइट चैप्टर में फिर से हम पढ़ेंगे 11 12 स्टैंडर्ड में यस आई एम हैप्पी जितना आपको नॉलेज था 10 तक उसके भरोसे पर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है मेट्रोइड किसी को पता है मराठी मध्य नाम आईती है मराठी हिंदी में किसी को नाम पता है मेट्रोइड क्या होता है कैसे होता है डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ मैं बस नाम बता दोगे कोई यस yes, उल्का पाथ होता वेरी गुड उल्का यस यस yes. yes, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वेरी गुड yes razia is saying lonar lake lonar lake absolutely my birthplace in the same district as uh, lonar's district that is buldana district it comes in the eastern part of maharashtra so yep that's true lonar lake yeah, metroids connection Oscar. why do day and night occur in a cyclic order yes earth's rotation Uh, कल्पेश खांडेकर तुला तुझ साइड रिफ्रेश कराला लगे बाकी स्क्रीन दिसत है तू एकद रिफ्रेश कर लॉग आउट लॉग इन यस, अर्थ रोटेशन इज द परफेक्ट एन्सर रोटेशन मतलब एक्चुअली खुद के अराउंड रोटेशन अराउंड खुद सन के अराउंड खुद के अराउंड खुद के अराउंड की वजह से

की आजूबाजूमध्ये निसर्गामध्ये ज्या बऱ्याच गोष्टी घडतात आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचंय तर म्हणून पहिल्या दिवशी आपण बोललो की सायन्सचा अर्थ काय क्युरिओसिटी लीड्स टू सायन्स क्युरियोसिटी लीड्स टू सायन्स सायन्स हे ऑब्झर्वेशननी असतं आणि एक्सपेरिमेंटेशन असतं सायन्समध्ये सायन्सचा अर्थ मी त्या दिवशी तुम्हाला सांगितलं होता सायन्स मीन्स टू नो वी हॅड स्टार्टेड अ डे विथ अ सिम्पल क्वेश्चन uh, कि साइंस वर्ड का अर्थक है अपन अपने इंडियन लैंग्वेज में उनको विज्ञान कहते हैं ज्ञान जो वर्ड है वो जानने के बारे में है ज्ञान नो न्या, 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 नो नो समझ रहे हो तो ये संस्कृत शब्द अक्षर जो है ज्ञ यही से नो सिमिलैरिटीस तो एक ग्रीक लैटिन वर्ड भी कुछ वहां से आए एंड देन साइंस वर्ड है ऑल्सो सो नॉलेज साइंस मतलब नॉलेज जानना अलग अलग सवाल उठना सवालों के जवाब ढूंढना और जानना दैट इज साइंस तो मेन दो चीजों से आप नॉलेज मिलाते हो कोई ऑब्जर्वेशन करके एंड एक्सपेरिमेंटेशन करके यस नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन ठीक है नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन कई कई बार जरूरत पड़ने पे आप इन्वेंशन करते हो कई कई बार प्योर क्यूरियोसिटी से भी करते हैं कोई जानने की जरूरत नहीं है है ना क्यों रेनबो हो रहा है उससे कुछ एप्लीकेशन उसका रियल लाइफ में अड़ेगा नहीं हाँ पानी क्यों आर बारिश कैसे हो रही है बारिश नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा तो बारिश नहीं आएगी तो पानी यहाँ से एक गाँव से दूसरे गाँव कैसे ट्रांसफर करना ये तो चेल गरज ही शोधा जननी है गरज नीड इज अ नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्व्हेन्शन तिथे पण काही काही गोष्टीमध्ये मध्ये रेनबो झालं यु नो मेट्रॉइड झालं मे बी या गोष्टींचं एक्झॅक्टली काही आपल्याला गरज नाही बट क्युरिओसिटी असते एक कुतूहल असते एक जाणण्याची इच्छा असते दॅट इज अ ह्युमन बीइंग ह्युमन बीइंग वॉन्ट टू नो ह्युमन बीइंग वॉन्ट टू नो द आन्सर टू क्वेश्चन ह्युमन बीइंग जस्ट लाईक एव्हरी ह्युमन बीइंग वॉन्ट टू बी हॅपी वी वॉन्ट

स्टार्टिंग पॉइंट इज क्यूरियोसिटी वॉट इज इन द इमेज बहुत अच्छे देखो आनंद बंडगार ने सवाल उठा लिया सर ये, ये इमेज में क्या है इमेज में क्या है है ना वॉट इज टेसर एक्ट पता है किसी को वॉट इज टेसर एक्ट ठीक है चलो ये होम स्पेलिंग करेक्ट टाइप किया है इसने कुछ लोगों को पता है टी ई स्पेलिंग करेक्ट है यस 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 मार्वल मूवीज की वजह से कुछ लोगों को पता है स्पेलिंग टेसेरेक्ट का आई एम डाउटिंग है डेसेरेक्ट या टेसेरेक्ट चलो कल मैं इस बारे में बताऊंगा आंसर इज करेक्ट इट इज डिनोटिंग द सेम थिंग कल इसलिए बताऊंगा कुछ लोग खुद होके सर्च करके आ सकते घर पे राइट आजकल आप इंटरनेट से यूज कर रहे हो तो डेसेरेक्टरेक्ट आप सर्च करके भी आ सकते हो कुछ उसके बारे में नहीं समझ आया मुझे पूछ लेना मैं कल बता दूंगा बट आप खुद पढ़ के नहीं आओगे तो आ, मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ ही लोगों को समझेगा ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होता है क्या स्टूडेंट्स देखो रेल की पटरी से क्या पता चल रहा है रेल की पटरी से क्या पता चल रहा है हमें लग रहा है कि नजदीक में बड़ा डिस्टेंस है और दूर दूर जैसे जा रहा है तो डिस्टेंस रेल पटरी का कम हो रहा है ठीक है है ना लेकिन ऐसा डिस्टेंस सच में कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इट इज इल्यूजन अपना आंखों का यू ना ऑब्जर्वेशन में इल्यूजन हो रहा है तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही नहीं होता क्योंकि ट्रैक तो असली में पैरल है भले लग नहीं रहे पैरल बट हमें पता है ट्रैक्स पैरल बनाए जाते हैं राइट तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होना जरूरी नहीं है तो ऑब्जर्वेशन पे हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते इसीलिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है क्यों साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसीलिए और एक्सपेरिमेंट करना है तो सही करना है तो प्रिसाइज कैलकुलेशन लगेंगे ये चैप्टर का बिल्डअप हो रहा है रीजनिंग ओके okay? ठीक है ये चैप्टर का रीजनिंग बिल्डअप हो रहा है तो एक्यूरेट हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे ट कैलकुलेशन करने के लिए accurate result के लिए क्या करना पड़ेगा? Proper measurement करना पड़ेगा पड़ेगा देख रहे हो चैप्टर का नाम Units and measurement. तो हम आ रहे हैं कि हमें measurement की जरूरत क्यों है में measurement नहीं करेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन से प्रिजन एक्यूरेटली बराबर चीजें पता नहीं चलेगी बराबर चीजें पता नहीं चलेगी तो धोखा हो जाएगा हम जानना चाहते हैं कुछ सच और कुछ झूठ ही पता चल गया राइट right? तो टू नो थिंग्स करेक्टली वी आर गोइंग टू नीड प्रिसाइज मेजरमेंट दे दूंगा बच्चों मैं प्रेजेंटेशन भी कुछ कुछ जो मैंने बनाए हुए हैं मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे मेरे राइट से कहीं पे कॉपीराइट होगा जो कि यूज करने लायक है तो मैं न दे पाऊँ लेकिन कई जगह पे मैं दे दूंगा आपको प्रेजेंटेशन आप अभी समझने पे ध्यान कीजिए जस्ट फोकस एंजॉय द सब्जेक्ट बिल्डिंग अप कुछ तो लोग चालू कर दिए तो नुँणी नुँणी। क्या ये वेरियस क्वांटिटीज के नाम हमने सुने हुए हैं स्टूडेंट्स प्रेशर टाइम टेम्परेचर वेट हाइट बहुत दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नॉन फिजिकल ये होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते तो मेजरमेंट हेडिंग है अपना तो मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जो मेजर नहीं करते उसको नॉन फिजिकल कहते हैं अब थोड़ा एग्जांपल्स देखना स्टूडेंट्स नॉन फिजिकल का नीचे एग्जांपल देखो लव हेटरेड लाइक है ना तो इन चीजों को फिजिक्स में कभी मेजर नहीं किया जाता था बट जो आजकल यूट्यूब फेसबुक सोशल नेटवर्किंग चल रहा है तो कितने लाइक्स है देखो हम वो भी मेजर करने लगे हु लव हु हेट समवन कितने डिसलाइक है हम वो भी मेजर करने लगे तो काइंड kind ऑफ of ये भी सोशली फिजिकल क्वांटिटीज बनने लगी है तो मैं इसमें के नीचे के पार्ट से अग्री कम करता हूं आजकल कई जो क्वांटिटीज पहले हम मेजर नहीं करते थे सौ साल पहले हम मेजरमेंट नहीं करते थे लेकिन आज हम उसका भी मेजरमेंट करने लगे हैं ठीक है या फिजिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं नॉन फिजिकल वर्ड हम पढ़ ना लाइक इमोशंस मेजर करना ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है ठीक है सोशियोलॉजी का सोशल साइकोलॉजी का पार्ट होगा वो लोग मेजर करेंगे तो अभी वो नॉन फिजिकल अपने लिए है यहां से थोड़ा सा लिखना शुरू करो स्टूडेंट्स जस्ट राइट डाउन सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा दो तीन एग्जाम्पल लिखो सात आठ एग्जाम्पल लिखे तो भी चलेगा मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, ये पेज की इंफॉर्मेशन आप शॉर्ट में कॉपी कीजिए पहले में लिखिए कैन बी मेजर्ड सेकेंड में लिखिए कैन नॉट बी मेजर्ड प्लीज राइट डाउन फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ हैप्पीनेस सेकेंड में आएगा नॉन फिजिकल में आना चाहिए हैप्पीनेस भी नॉन फिजिकल में आना चाहिए यस yes. इनके हिसाब से अभी के हिसाब से नॉन फिजिकल में आना चाहिए बहुत अच्छे साकिब तांबोड़ी तुझे भी एक बार नेट रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा तेरे साइड से नेट का थोड़ा इशू होगा आई बिलीव एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देख सकते हैं अदरवाइज़ आपको इम्पार टेस्ट से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको टेक्निकल टीम होती है प्रशांत जगताड़ सर को आप और नंबर मांग सकते हो टेक्निकल लोगों के एक किरण सर है एक सुजय सर होते हैं तो वो लोग भी आपको किसी कोई तकलीफ जा रही है तो हेल्प कर सकते हैं आप वो नंबर्स प्रशांत सर को मांग सकते हो अकेडमी में आप मांग सकते हो वो नंबर्स बाद में अभी सिंपल नेट इशू होगा तो आप रिफ्रेश कर दीजिए स्कल पेश को भी विजिबल नहीं हो रहा था आज तो तुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा ठीक है जिनको नहीं देख पा रहे हो तो अभी के लिए ठीक है नहीं लिखोगे आप बाद में ये वीडियो का रिकॉर्डिंग आ जाएगा तब आप लिख लीजिए बट आपको लिखना तो पड़ेगा अभी किसी को ऐसा इशू आ रहा है इसी के लिए आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दी जाएगी जनरली उसमें से मैंने पॉजेस हटा दिए थे पॉजेस हटा देते हैं जो जहां जहां पे मैं रुका होता हूँ वो पॉजेस हटा देते हैं हम और बाकी चीज़ें का वीडियो रिलीज हो जाता है वीडियो में तो स्क्रीन ही दिखता है मेनली स्क्रीन ही आपको दिखना चाहिए आप स्टडी कर रहे हो तो ये स्क्रीन का वीडियो आपको रहेगा आप कॉपी कर लीजिए बाद में स्क्रीन भी ले सकते हैं लेकिन जो नोट्स में चाहता हूँ वो नोट्स में आपके होना चाहिए जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि लिख लीजिए वो आपके नोट्स में होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं जवाब लूंगा मैं आपसे पोल करेंगे पोल करेंगे फटाफट वाला पोल करेंगे इस क्वेश्चन के लिए मैं अभी से दूंगा आपको सिर्फ पंद्रह सेकेंड पढ़ लिया होगा सबने सिर्फ पंद्रह सेकेंड एबीसीडी आप लिखोगे क्योंकि कुछ लोगों ने तो सही जवाब दे रहे होंगे बट पूरे क्लास का हमें पता चल सकता है 97 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है गलत जवाब किसी का नहीं आया आया था दो लोगों ने सी ऑप्शन टिक कर दिया है दो लोगों ने सी ऑप्शन टिक कर दिया है अभी रीजन अभी रीजन कुछ भी हो सर मैं डी टाइप करना चाह रहा था मैं डी टाइप करना चाह रही थी डी क्लिक करना चाह रही थी लेकिन ना मैंने सर सी गलती से क्लिक कर दिया तो ये माफी ऐसी गलतियों को माफी नहीं होती एग्जाम में ना आप जो टिक करोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यस साक्षी भापकर कोई डाउट है पूछ बेटा पूछो जब भी कोई भी डाउट है तो आपको पूछना है आ, नहीं साक्षी एयर का क्या मेजर करेंगे देखो एथिंग एयर का क्या मेजर कर सकते हैं एयर की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं एयर में कितना पोल्यूटेड कौन सा सब्सटेंस है वो मेजर कर सकते हैं एयर का मास मेजर कर सकते हैं एयर का डेंसिटी मेजर कर सकते हैं एयर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एयर के बारे में आप चीजें मेजर कर सकते हो बट So, air temperature is a quantity. You know, uh, mass is a quantity. You know, pollution level can be a quantity, physical quantity. But air itself is a chemical substance. It's a substance. It's not a quantity. Okay. Yes. Fantastic. Good. Okay. Razia question ka jawab hai, No. डू ऑल फिजिकल क्वांटिटीज है कुछ कुछ क्वॉंटिटीज को यूनिट नहीं होती फिर से इसका पोल होगा अपना बहुत छोटा सा फिफ्टीन से का पोल किसी को कोई डाउट आ रहा है तब तक टाइप कर लो चलो बहुत अच्छा मेजर इज अगेन करेक्ट इस बार किसी ने गलत आंसर नहीं टिक किया बहुत अच्छे दिस एन इजी क्वेश्चन फॉर अस ओके ये भी पोल के लिए आई एम गिविंग यू ओनली फिफ्टीन सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ स्केलर एंड वेक्टर ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा गौरव फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में आएगा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आएगा सी ऑप्शन छह लोगों ने सी ऑप्शन टिक किया नो स्टूडेंट्स ओनली एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है ठीक है, छह स्टूडेंट जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है ओनली एक्सपेरिमेंट नहीं साइंस में दोनों चीजें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ओनली वर्ड की वजह से तीसरा ऑप्शन गए बोथ आर नेसेसरी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बोथ आर नेसेसरी हाँ ऑब्जर्वेशन कभी कभी गलत होते हैं तब हम एक्सपेरिमेंट के उसके साथ हेल्प लेंगे बट दैट डजेंट मीन वी हैव ओनली एक्सपेरिमेंटेशन

और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आज का फिर होमवर्क क्या है ना कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ओके okay? तो ये आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो इसके नोट्स में फिर से बैकपैक पे एक डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कर दूंगा वहां से आपको ये लिख के लाना है होमवर्क में एक्जैक्टली exactly क्या लिख के लाना है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में क्या टेबल लिखना है कुछ डेफिनेशन लिख के आनी है क्या वो होमवर्क में कल जैसे मैंने टाइप करके भेजा था मेन ग्रुप पे और फिजिक्स ग्रुप पे दो फिजिक्स के ग्रुप पे फिजिक्स के ग्रुप पे सब लोग ज्वाइन हो गए थे उस ग्रुप पे ये आ जाएगा आपको आज भी होमवर्क ठीक है समथिंग लाइक दिस ये जो अभी स्क्रीन आपको आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला इससे रिलेटेड आपको होमवर्क रहेगा डिटेल डिस्कशन इसका कल के क्लास में कंटिन्यू होगा चलो थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे बाय